हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हरप्रीत सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर आपके पास एक बाइक है और आप उससे प्रॉपर माइलेज नहीं निकाल पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप टिल एंड पूरा देखना, जिससे आपको पूरे के पूरे अपने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू गेट मैक्सिमम माइलेज आउट ऑफ योर बाइक। तो देखते रहिए। जी फ्रेंड्स, तो बहुत सारे मैकेनिक, बहुत सारे फ्रेंड्स आपको तरह तरह की एडवाइसेस देते रहते होंगे कि आपने अपनी बाइक से मैक्सिमम माइलेज कैसे लेनी है या ज्यादा से ज्यादा माइलेज कैसे आपने उसे आउटपुट निकालनी है। तो जैसे कि हम बात करें किसी से भी, तो आपको सबसे पहली एडवाइस आपको यही दी जाएगी कि आप अपनी बाइक, बेसिकली हम बाइक से शुरू करेंगे, एक स्पीड लिमिट आपको दे दी जाती है। जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि बाइक को 45 टू 50 की स्पीड पे आप चलाएं तो आपको मैक्सिमम माइलेज मिलेगा, जो कि काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये चीज हम सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी माइलेज कम है। ठीक है जी, पहला रीजन मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीजन है आपके टायर प्रेशर प्रॉपर ना होना। टायर प्रेशर आप अपनी किसी भी बाइक के मैनुअल में देखेंगे, यूजर मैनुअल में देखेंगे, तो आपको वहां पे टायर प्रेशर की प्रॉपर लिमिट बता दी जाएगी, जो कि नॉर्मली आगे के टायर में अलग होती है और पीछे के टायर में अलग होती है, क्योंकि साइजेस भी वेरी करते हैं कुछ बाइक्स में। नॉर्मली अगर हम एक स्प्लेंडर की बात करें तो स्प्लेंडर जो है उसमें जो नॉर्मल जो टायर प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 35 PSI, वो 35 PSI, और बैक जो टायर है, जो रियर टायर है, उसमें भी 35 PSI का प्रेशर अगर रहे तो ये आपको बाइक एक प्रॉपर माइलेज प्रोवाइड करेगी। अगर आपके टायर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है तो ये माइलेज कम करेंगे ही करेंगे। और अगर उससे उल्टा अगर आप देखो कि अगर टायर का प्रेशर ज्यादा है तो उस केस में भी आपको माइलेज कम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था दूसरा कारण। लेकिन मैं बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिसकी वजह से आपको अपनी बाइक में कम माइलेज मिलेगी, लेकिन मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कोई भी आपसे डिस्कस नहीं करता या कोई भी मैकेनिक भी आपसे नहीं बताता। आपको ये बताया जाता है कि आप गाड़ी या अपनी बाइक एक लिमिट पे चलाएं, ज्यादा थ्रॉटल ना दें, बार बार थ्रॉटल ना दें, मतलब आप एक्सेलरेट बाइक को बेवजह मत करें, बेवजह ब्रेकिंग मत करें, ये कुछ पॉइंट्स हैं। या आपको हवा का, मैंने जैसे टायर प्रेशर का मैंने बता दिया, वो भी एक पॉइंट है जिससे आपको माइलेज आपकी कम होती है बाइक की। तो ये छोटे छोटे कारण, छोटे छोटे रीजंस आपको मैकेनिक, आपके फ्रेंड्स, हर कोई बताता रहेगा। लेकिन एक चीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है, वो रिलेटेड है गियर शिफ्टिंग के साथ। जी, गियर शिफ्टिंग के साथ रिलेटेड है। तो बेसिकली मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी बाइक को 45, 50 या मैक्सिमम 55 की स्पीड से चलाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए, मैक्सिमम माइलेज वही उसी रेंज में ही निकल के आएगी। लेकिन उसमें भी कुछ क्लॉज है, वहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम किसी को बोलते हैं कि बाइक का एक्सेलरेट ज्यादा, आप बाइक को एक्सेलरेट मत कीजिए, तो माइंड में ये एक चीज फिट हो जाती है कि अगर हम ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो नॉर्मली उसकी जो माइलेज होगी वो डाउन जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं या ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बाइक की स्पीड को लिमिट में रखने के लिए एक्चुअली क्या करते हैं कि जो गियर शिफ्टिंग है वो थोड़ी जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, आपकी बाइक रुकी हुई है, आपने फर्स्ट गियर डाला और अपनी बाइक को चलाना शुरू कर दिया। फर्स्ट गियर में बाइक बहुत ज्यादा नहीं चल पाती, 10 टू 15 किलोमीटर की स्पीड से ही ये चल पाती है।
तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, जैसे ही बाइक थोड़ी सी आगे मूव करती है तो हम सेकंड गियर शिफ्ट कर देते हैं। सेकंड गियर जो है वो भी 25-30 के आसपास इतनी ही स्पीड दे पाता है अगर हम नॉर्मल तरीके से बाइक को चलाएं। उसी टाइम हम थर्ड गियर भी शिफ्ट कर देते हैं और फोर्थ गियर हम 30 की स्पीड से कम ही स्पीड पे शिफ्ट कर देते हैं, या नियर अबाउट 30 की स्पीड पे ही हम उसको फोर्थ गियर में गाड़ी को, अपनी बाइक को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है आपकी बाइक में माइलेज ना मिलने की। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपने बचपन में फिजिक्स की कुछ क्लासेस लगाई हो तो वहां पे आपने गियर सिस्टम पढ़ा होगा। तो गियर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, जब से जब हम सबसे पहला गियर डालते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, जो सबसे बड़ा गियर होता है वो आपकी बाइक को एक तरीके से मूव कर रहा होता है। बड़े गियर का मतलब है कि आपको टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वहां आपको पावर ज्यादा मिल रही होती है, लेकिन वहां पे आपको मोमेंटम कम मिल रहा होता है क्योंकि गियर वहां पे बड़ा लगा होता है। इसको मैं कोशिश करूंगा एक पिक्चर की हेल्प से भी दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे गियर में जो हमारा जो गियर का साइज है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन फोर्स ज्यादा मिलती है पर वहां पे आपको मोमेंटम नहीं मिल पाता। ये वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने फर्स्ट गियर के बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ कब शिफ्ट करना है अगर आपकी बाइक में फोर ही गियर्स हैं। तो मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अपने फर्स्ट गियर में बाइक को डालना है, तो फर्स्ट से सेकंड गियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 10 या 15 की स्पीड पे अपना सेकंड गियर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड गियर जो है वो आपने नियर अबाउट 30 की स्पीड पे चेंज करना है, ठीक है। मतलब थर्ड गियर वो आपने डालना तब है जब आपकी बाइक नियर अबाउट 30 की स्पीड पे पहुंच चुकी है। मतलब आपने करना क्या है, आपने अपनी जो नॉर्मल रूटीन है जो कि जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट, जल्दी जल्दी गियर अपर लिमिट में ले जाना, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब ये आपको फिजिकली पता लगना शुरू हो जाएगा जब आप बाइक को चलाओगे। तो आपने क्या करना है, जब आपकी बाइक थोड़ा जोर पकड़ रही है, मतलब अब लग रहा है कि गियर डालने की जरूरत पड़ रही है, तो तभी गियर को शिफ्ट करें। मतलब बाइक बिल्कुल स्मूथली चल रही है सेकंड गियर में या थर्ड गियर में, स्पीड भी बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी फोर्थ गियर डाल देते हो, तो उस पोजीशन में, उस कंडीशन में आपको नुकसान होता है माइलेज का। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि बड़े गियर में जो बड़ा रोटर है, बड़ा गियर है, वो आपकी बाइक को मूव करने की बजाय छोटा रोटर आगे आ जाता है, ठीक है। सबसे छोटे गियर में सबसे बड़ा रोटर होगा, मतलब सबसे बड़ा गियर लगा होगा, सबसे बड़े गियर में वो रोटर या वो गियर छोटा हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपको फोर्स कम मिलती है लेकिन मोमेंटम ज्यादा मिल रहा होता है। तो यहाँ पे टेक्निकली हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ समझने में थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन मेरा जो सीधा सीधा आज का जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी बाइक को गियर शिफ्टिंग तभी दें, गियर शिफ्ट तभी करें जब बाइक डिमांड कर रही है। मतलब थर्ड गियर आपने 30 की स्पीड के आसपास डाल देना है। उसके बाद अगर फोर्थ गियर पे जा रहे हो तो वो आपने 35 की स्पीड से अबव जाके ही शिफ्ट करना है। मतलब चौथे गियर में आपने 35 या कुछ बाइक्स में जो थोड़ा बड़ा इंजन है उसमें आप 40 की स्पीड या इससे अपर लिमिट पे भी जा सकते हैं। अगर आपकी बाइक में 5 गियर आपका ट्रांसमिशन है तो वहां ये स्पीड आप 45 या 50 तक भी लेके जा सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि 45 तक आप अपना फिफ्थ गियर, 45 के बाद, 45 या 50 के बीच बीच में आप अपना फिफ्थ गियर भी डाल सकते हैं। अगर 4 गियर्स हैं बाइक में तो आप 40 के आसपास अपना गियर चेंज कर दें, चौथे गियर में 40 में डालें। तो ये ट्रिक आप फॉलो करोगे तो आपको काफी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी चीजें आपने देखनी है, टायर प्रेशर आपने प्रॉपर चेक करना है, प्रॉपर रखना है, आप अपने स्पीड लिमिट को भी कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्श चलाओगे, बहुत ज्यादा तेज चलाओगे तो भी माइलेज नहीं मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने गियर्स को प्रॉपर शिफ्ट करना है। मतलब जब आपकी व्हीकल डिमांड कर रही है
कि हाँ नाउ इट्स द टाइम टू शिफ्ट टू नेक्स्ट गियर, तो आप तभी शिफ्ट करें। बेवजह स्लो स्पीड पे अगर आप गियर शिफ्टिंग करते रहोगे तो आपको माइलेज हमेशा कम ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट सा, एक काफी यूनिक सा टॉपिक है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सब काम सोच क्या रहे हो, कर दो। थैंक यू।